स्टूडेंट केन्ता छ पिले सब भल भल तो पिले आज आम कोर फाइव रुम मैथमेटिकल फिजिक्स रो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रो यूनिट फोर पार्ट फाइव रे पढ़मा कंडक्टिंग स्फीयर इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बुझेगा कि नहीं गोटे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे कंडक्टिंग स्फीयर कौन है हाला? तो देख लेट अस चित्र मुई पर देखीदेवि है नेक्स्ट पेज चित्र अच्छे खाली बुझ लेट अस कनसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो तो गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे ई जीरो भी कहीपार या ई नॉट भी कहीपार्ब है डिपेंड तुम उपर है तो ई नॉट एका कह भाला गोटे स्फीयर अच्छे जहाँ गोटे रेडियस थे जेहतु स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर तो रेडियस थे कें अच्छे गोटे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे अच्छे गोटे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे जिनका कि आम ई जीरो ई नॉट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज एज्यूम टू बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर तार कोऑर्डिनेट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट आम कण एज्यूम करमु ना सेंटर रे बोली करी एज्यूम करमा है और पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाय एतकी बुझेला इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इज कन्फाइंड ओनली टू इट्स नेबरहुड तो आम एज्यूम करमु जेन तार एक्सटर्नल फील्ड जेन इफेक्ट पड़वा सेटा तार नेबरहुड पाखे पड़वा मैंने तार पाखापुखी तार इफेक्ट पड़वा है अच्छा मैंने थ्योरी फ्योरी मुझे भल से बुझे नहीं पारे पीले है इंग्लीश तो जाने नहीं बुझाने कण है जस्ट टी जेनटा बुझी पारे बुझ फर अवे फ्रम द स्फीयर जेनटा कि स्फीयर रु दूरे एका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल रिप्रेजेंट बाय ई नॉट ओके वी नो दैट फर अजिमुथल सिमेट्री द सल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन कण डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो वेयर भी रिप्रेजेंट्स भी कण रिप्रेजेंट करुच्छे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करुच्छे हाला जेने कि आम भी रहा ऑलरेडी आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ी ना हाँ कि नहीं पर वीडियो पढ़ी पार्ट फोर वीडियो बोधे ये आम जानी ना यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये फर्मुला तुमको मन रखा पड़वा है आर देख वी नो दैट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल ऑफ जीरो वैल्यू तो जेन सरफेस ऑफ कंडक्टर कण इक्विपोटेंशियल ऑफ जीरो वैल्यू एज टोटल चार्ज इट इज जीरो कण जीरो हेसी द फील्ड लाइन्स टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर एज द कंडक्टर बुझेगा जदि पी एटा जब मन रखी पार्छे बोले लिख आ जब मन नहीं रख डायरेक्ट इक्वेशन मन एक मन रख है मैथमेटिकल वाला भी लिखीदेव मार्क मिली जैसी फिजिक्स तुम थ्योरी देखा नहीं जी है वी एज्यूम जस्ट मैनमैन टाइप लिख वी एज्यूम कि एक्सटर्नल फील्ड से लिख है यहाँ है फील्ड देख दुटा स्फीयर है हाँ कि कंडक्टिंग स्फीयर है तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर यहाँ ओरिजिन इन आम कोऑर्डिनेट करुचु हाँ कि नहीं अच्छा तार रेडियस कण है आर आर जदि इनफाइनाइट के जदि नेनु द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्राक्टिकाली अनडिस्टर्ब तो कण अनडिस्टर्ब हाँ इ जीरो सो भि इक्वल टू कण माइनस इ नॉट एक्स तो एक्स जगह मुझे कण पुट करी आर कॉस्टा पुट करदेवी देख आर कॉस्टा हाँ कि नहीं अच्छा हेस तो बाउंड्री कंडीशन तो बाउंड्री कंडीशन पड़वा दुईटा बाउंड्री कंडीशन आम पकामा है भि इज इक्वल टू जीरो केतेबले जितेबले आर इक्वल टू ए हवा भि इक्वल टू माइनस इ नॉट आर कॉस्टा एट आर इक्वल टू इनफिनिटिव यहाँ बाहर करूँ आर इक्वल टू इनफिनिटिव हेल्ले भि इज इक्वल टू माइनस इ नॉट आर कॉस्टा हवा बुझेगा अच्छा द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन टू द कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय कंडक्टिंग स्फीयर देख आम फर्मुला पढ़ी यहाँ आम आगर भी बाहर करसनु कण यहाँ तुमको मन रखवाके पड़वा बुझिपार तो फास्ट जीरो पुट करमु तापर वन पुट करमु हाँ कि ओके देख इन्हें जीरो पुट कली इन्हें भी जीरो पुट कली इन्हें भी कितने इन 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 एखा जीरो पुट करी वन पुट करी तो देख इ टर्म्रे जीरो पुट कली देन वन पुट कली तापर इ टर्म्रे इ टर्म्रे मुझे कण माइनस वन पुट करी देख इटा एन जगार जीरो पुट करी बुझिपाल कि नहीं तो इन्हें जीरो पुट करते कण आर टू दि पावर माइनस वन हाँ तो इन्हें भी मुझे जीरो पुट करी है आउ वन पुट करी तो देख इ टर्म्रे मुझे जीरो पुट कली वन पुट कली होगा इ टर्म्रे भी मुझे जीरो पुट करी वन पुट करी तो जीरो जीरो करदे माइनस वन देख जीरो फिर वन पुट कले ये आसपा ए जीरो ए जीरो आर टू दि पावर जीरो कहार जो पावर जो जीरो है तार भैल्यू कैसे वन वन आउ पी जीरो कस्टिटार भैल्यू भी वन तो कण ए जीरो के जीरो एखार हाँ प्लस ए वन के ए वन पी वन कस्टिटार भैल्यू के पिले ना तुम कस्टिटाए है यार भैल्यू के कस्टिटाए यार भैल्यू के वन है यार भैल्यू भी के तुम से वन है यार भैल्यू के कस्टिटाए बुझिपार्ल त
तो ए वन आर कष्टा है प्लस बी जीरो आर टू दि पावर माइनस वन अच्छे यहाँ वन बाय आर हिसाब से लिखि पारे हाँ सार लिखि पारे और बी जीरो कष्टा तो कैसे वन है सो वन इंटू समथिंग से हाँ प्लस पी वन के बी वन आर टू दि पावर माइनस टू के वन बाय आर स्क्वायर लिखि पारि और पी वन कष्टार भैल्यू कष्टा है यैल्यू मैंने तुमके कण मन रखा पड़वा देख ये भैल्यू मैंने तुमके मन रखा करवा तो तुमके कहना प्राक्ट करवा पीले है इ टर्म आउ टर्म के गोटे पाखे लिखिदेली ये कष्टा कष्टा वाला गोटे टर्म के गोटे पाखे लिखिदेली इक्वेशन फोर देली है नेक्स्ट थ्योरी जो नहींबार मैथमेटिकल ही प्राक्ट कर दिए है इक्वेशन मैंने मार्क आसीजा नो प्रोब्लेम तापर एवं बाउंड्री कंडीशन पक आम कहना भिज कल टू माइनस इ नट आर कष्टा जो बेले आर इनफिनिटिव थिला तो देन फ्रॉम इक्वेशन फोर वी गेट कहना वन बाय आर जेन अच्छे से जीरो हाँ क्या जीरो हाँ क्या जी किए आर टेन्स टू इनफिनिट है तो जीरो वाला टर्म वन बाय आर टर्म कण हाँ जीरो संगे एका सामान हाँ हेदी का कण आसगला ये टर्म कण हाँ जीरो हाँ हाँ सार जीरो हाँ क्या जी वन बाय आर अच्छे मैंने जीरो ये टर्मटा कण हो जीरो आई टर्मटा भी गोली मार क्या जी वन बाय आर स्क्वायर अच्छे है तो जेन वन बाय आर थी कि वन बाय आर स्क्वायर थी से टर्म जीरो तो रहा कहना भि इज इक्वल टू तो भि जगार मुझे यहाँ पुट करदेवि तो भि इज इक्वल टू मैंने यहाँ इक्वल टू कहना एतक हाँ तो देख इटार कोफिशियंट कहना जीरो रखा ए जीरो किसी कोफिशियंट एनवल कहना जीरो तो हेन्स ए जीरो इक्वल टू जीरो जदि ए जीरो इक्वल टू जीरो है मैंने देख आर के आर कष्टा इन्हें भी आर कष्टा अच्छे तो ए वन इज इक्वल कहना हाँ माइनस इ नट ही पार्बा हाँ सार ही पार्बा ये देव इक्वेशन एवं आ गोटे बाउंड्री कंडीशन पक आम कहना भि इक्वल टू जीरो एट आर इक्वल टू ए तो इक्वेशन फोर कण हाँ तो इक्वेशन फोर देख इक्वेशन फोर गोटे मुझे एक्सट्रा लिखी दूसरे आम सुविधा हाँ यहाँ है तुम इक्वेशन फोर है लोटे सुविधा हाँ देखे दूसरे भि इक्वल टू जीरो एट आर इक्वल टू ए तो भि जगार मुझे कहना करी जीरो फुट करी तो देख भि जगार मुझे जीरो फुट कली आ जीरो तो जीरो है ना तो ए जीरो जगार मुझे कहना जीरो फुट कली आईटा तो जीरो है ना क्या वन बाय आर इटा पड़ा वन बाय आर कण हाँ जीरो हाँ बुझिपाल कि तो ये टर्मटा कण है भि इक्वल टू जीरो टर्म भी जीरो है प्लस को प्लस देली बुझेगा अच्छा एवं देख ओ सॉरी सॉरी ई टर्मटा जीरो हाँ ई टर्मटा जीरो हाँ है जेहतु यहाँ सेकेंड कंडीशन पड़ी ना मुझे फास्ट कंडीशन हिसाब करी तो देख ए जीरो इक्वल टू जीरो ए जीरो जगार जीरो फुट कली बी जीरो के बी जीरो लिखली आर जगार के लिखी ए लिखी क्या जी आर इक्वल टू ए देन माइन देन ए वन ए वन रैल्यू के माइनस इ नट तो माइनस इ नट आर जगह के लिखी ए लिखी देन कॉस थीटा से भलिया बी वन के बी वन लिखी तो प्लस बी वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा हो पार्बा से गली बुझिपार्ल इतनी अच्छा बी जीरो बाय ए के ए लिखली देन इन कॉस थीटा कॉमन जीवा तो माइनस को माइनस देली देन कॉस थीटा एटा कॉमन गला इक्वल टू जीरो है तो आम कण करमु बी जीरो कोफिशिएंट किसी ना बी जीरो इज इक्वल टू जीरो बुझिपार्ल आउ जेन ब्राकेट भितरटा रहा से इक्वल टू जीरो करमा तो इ जीरो ए माइनस बी वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है सो बी वन इज इक्वल टू के पी ए स्क्वायर तो इटा बी वन इज इक्वल टू के आराम से इटा नब राइट साइड देन ए स्क्वायर जी मल्टीप्लाई हाँ तो इ नट ए क्यूब हाँ बी वन इज इक्वल टू कण हाँ इ नट ए क्यूब हाँ इटा देव इक्वेशन टेन एबे आमे जेन ए जीरो भैल्यू बाहर कनु ए वन रैल्यू बाहर कनु बी नट रैल्यू बाहर कनु बी वन रैल्यू बाहर कनु से आम इक्वेशन फोर में पुट करदे इटार भैल्यू इटार भैल्यू बुझे ए वन रैल्यू बी वन रैल्यू सब भैल्यू को पुट करदे तो देख पुट कले कण हाँ जीरो जीरो मिलला इटार भैल्यू जार भैल्यू जेनटा आम पुट करदेनु तो एतक मिलला इक्वेशन इलेवेन बुझेगा कि डाउट अच्छे सब भैल्यू पुट कर सारापर इक्वेशन इलेवेन मिलवा देख भैल्यू पुट करब है यहाँ मुझे भैल्यू पुट कर इक्वेशन फोर बुझिपार नेक्स्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन इट इज फाउंड दैट फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सुपर पोजिशन अफ द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहना हाँ सुपर पोजिशन हाँ हाँ कि नहीं तुम रिजल्टाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कण हाँ सुपर पोजिशन अफ द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अफ डायपोल मुवमेंट हाँ बुझिपार्ल कि तो पी इज इक्वल टू मैंने कण कहली देख आम जदि फाउंड करमा कह एक्सप्रेशन फाउंड करमा फॉर ए कंडक्टिव स्फीयर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जदि आम फाउंड करमा
तेरे कण हाँ ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सुपर पोजिशन अफ द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अफ डायपोल मोमेंट बाहर करवाइ अच्छे। तो जार फर्मूला कि मानने इटा इ जीरो इ क्यूब बाय कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। सो इन पी इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इ नॉट ए क्यूब पेमु जेटा मुझे डायरेक्ट ही लिखी दीछे। तो पी इज इक्वल टू आम डायरेक्ट पेमु देखो यहाँ कंपेयरिंग करागला बुझे पार्ल कि नहीं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउ इटा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अफ डायपोल मोमेंट हाँ कि नहीं। तो यहाँ कंपेयर करागला तो एतक पी इज इक्वल टू एतक पेनु आम बुझाला हेन्स द कंडक्टिंग स्फीयर हैज एक्वायर ए डायपोल मोमेंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पी इज डायरेक्ट इटा क्या डायपोल मोमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कण इ नॉट मैंने कण इलेक्ट्रिक फील्ड बुझाला। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करना है द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट तो इर इज गल कण माइनस ड भि बाय ड आर अच्छा माइनस ड भि बाय ड आर भि रैल्यू पुट करदेव भि रैल्यू यहाँ इक्वेशन इलेवेन रेचु हाँ कि नहीं। देख इक्वेशन इलेवेन पाइछ यहाँ भि रैल्यू तो पुट कर देली अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू आर तो विथ रेस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करमु तो ये कांस्टेंट हिसाब से काम करवा तो डीआर डीआर के वन हाँ तो इ नॉट कॉस थीटा हाँ माइनस इनटू माइनस प्लस ये डायरेक्ट करदेली आउ तुमर डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर डेरिवेटिव कण है पीली आर टू दि आर वन बाय आर स्क्वायर अच्छे ना तो ऊपर वाला आर टू दि पावर माइनस टू हाँ तो यहाँ डेरिवेटिव कण माइनस टू आर टू दि वन बाय आर क्यूब हाँ तो सीटा आखा देख तो यहाँ माइनस टू आर इनर माइनस कण है प्लस है देन टू लिखली इ जीरो क्यूब बाय कॉस्टा लिखली आ वन बाय आर स्क्वायर डेरिवेटिव तो आर क्यूब टू आर क्यूब बुझाला। तो डेरिवेटिव आराम से जानी पार एक खाली कल डेरिवेटिव आराम से जानते जानी थी है। तापर से कण इ जीरो आउ कॉस्टा कमन नाला कि है कमन जीसाला यहाँ आईटा कमन नी है तो यहाँ इक्वेशन थर्टीन दब है। ओल्सो ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड एट पॉइंट पी ट्रांसफर्स कण है ना इ नॉट इज इक्वल टू इटा ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स कण है ना वन बाय आर डब बाय विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हाँ तो माइनस वन बाय आर ड बाय ड थीटा इटा भि वैल्यू पुट कली एवं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आम कण करमा डेरिवेटिव करमा तो मुझे डायरेक्ट ही करदे देख कॉस थीटा डेरिवेटिव कण पीली माइनस साइन थीटा तो माइनस इनटू माइनस कण प्लस और जेहतु आर इनर आर कैनसल है तो इ जीरो कॉस थीटा होगा ओ सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हाँ तो कण इ जीरो ओहो ओके ओके पीले आगे आम कण माइनस वन बाय आर के मल्टीप्लाय कर देनु तो माइनस वन बाय आर जब मल्टीप्लाय कर देना इनर आर कैनसल होगा तो इ जीरो कॉस थीटा है माइनस इनटू माइनस प्लस तापर ये माइनस वन बाय आर इ टर्म भी मल्टीप्लाय हाँ तो इन्हें कहना माइनस हाँ इ जीरो ए क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब हाँ कॉस थीटा हाँ डेरिवेटिव पछे करमा है एवं आम डेरिवेटिव करमा देख विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव बोले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो इ जीरो साइन थीटा बुझेगा कि नहीं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बुझेगा अच्छा इन्हें भी साइन थीटा अच्छे इन्हें भी साइन थीटा अच्छे इन्हें भी इ नॉट अच्छे इन्हें भी इ नॉट अच्छे कमन जावा सो माइनस इ नॉट आउ साइन थीटा कमन ने कि हाँ ये देव इक्वेशन 14 एतक बुझेगा। एवं देख एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी तो एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर वी नो दैट ई आर इक्वल टू ए टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो व्हिच इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो इक्वेशन 13 वी हैव फॉर आर इक्वल टू ए निजिमा हाँ कि नहीं तो ई आर इक्वल टू ए तो इ जीरो इज इक्वल टू आम इक्वेशन 13 दे हाँ कि नहीं तो इ जीरो इक्वल टू वन प्लस टू ए क्यूब बाय आर जगह कण ए निजे मुझे आर इक्वल टू ए तो ए क्यूब कॉस थीटा हाँ कि नहीं एतक बुझाला अच्छा इटार वैल्यू केते इटार वैल्यू है इटा तो इटा जगह इटा लिखी देली एतक बुझे पार्ल एत पूरा भल से बुझीला अच्छा तापर ये भितरटा सल्व करमु तो एलसीएम ए क्यूब जीवा तो वन ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब थ्री ए क्यूब सो थ्री ए क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब कैनसल है तो थ्री इ नॉट कॉस थीटा हाँ हाँ कि नहीं एलसीएम नहीं निजे सल्व कर पार्ब है यहाँ निजे सल्व करब एलसीएम ए क्यूब जीवा एलसीएम के ए क्यूब जीवा तो यहाँ के ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब
सो थ्री ए क्यूब बाय ए क्यूब, सो ए क्यूब कैंसल होगा तो थ्री है, थ्री इंटू इ नॉट कॉस थीटा बुझेगा। नेक्स्ट सो सिग्मा इक्वल कौन है एप्सिलॉन जीरो राइट साइड जीवा तो थ्री एप्सिलॉन जीरो इ नॉट कॉस थीटा। दिस इंड्यूस चार्जेस इज नेगेटिव ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड पॉजिटिव ऑन द राइट हेमिस्फीयर बुझेगा। ओके नेगेटिव हवा तुम लेफ्ट हेमिस्फीयर और पॉजिटिव साइड हवा राइट हेमिस्फीयर। हेंस एज एक्सपेक्टेड द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो जी, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो बुझेगा। ये तुम कौन कर नोट लिखने हला आई टी भल टे नई है पढ़ापढ़ी मोर क्या मोर देह भी भल नहीं बुझा तो पढ़े देली। चलो लख हला इक्वेशन सेवेन तक लख टेन तक लख हला इलेवेन तक लख हला फटाफट देखे दौ तुमके यहाँ अलरेडी देखे कर पढ़े दी नोट कर इनर किसी बिल्कुल नोट पीडीएफ हिसाब से नहीं मिले तुम भिडियो हिं लिख है परिश्रम कर बुझिपार कि नहीं इजी अच्छे तुम नर्भस हबार किसी दरकार भी नहीं बुझिपाल कि खाली स्टेप बाय स्टेप मन रखबार अच्छे है जस्ट पास हबार अच्छे तुमको फिजिक्स रे जदि फिजिक्स तुमको साइंटिस्ट हबार अच्छे या रिसर्च करवा अच्छे डीपली पढ़ है किए जदि खाली प्लस थ्री जस्ट मैंने डिग्री गोटे हासिल करना कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करवा चाहिए मैंने आमका खाली पढ़ी दि है लंग क्वेश्चन हिसाब से सर्ट क्वेश्चन हिसाब से बट जी आगे जी साइंटिस्ट हे कि फिजिक्स फिल्ड में काम कर कि रिसर्च करब से मैंने कि एमएससी कर डीपली पढ़वा पढ़वा है बट जी मैंने पास कम्पिटेटिव एग्जाम देव कि नेक्स्ट काण कर देन तुम्हें लंग क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन पढ़ी कर पास हो जाए बेसी मार्क रखी कर भी किसी फायदा नहीं निजर उपरे खाली टैलेंट थी है मार्क भी इम्पोर्टेंट अच्छे कि प्लस थ्री प्रिफर कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जी प्रिपेयर होगा है कहीं पोस्ट मन बाहर तो सीना एक काम दबा जल्दी जल्दी सेटल होबार अच्छे है पूरा ईमानदारी पढ़ आउ सेमिस्टर एंता पढ़ा बैक नहीं लगू है पास हो बैक नहीं लगू बुझा देख बी एससी को अच्छे मैंने परसेंटेज भल से रख ना कहीं 50% प्लस रख है बी एससी ऑल सेमिस्टर मिसकर 50% एभव रख तेब तुम कण करना कम्पिटेटिव एग्जाम जिते भी पोस्ट बाहर से तुम पके पार्ब बुझे पार कि नहीं जेटा तुम डिग्री मांगे जो 50% जो कम रख देन तुम क्वाफाई आखा कर पार मैंने से कम्पिटेटिव एग्जाम तुम कौन फर्म फिलअप आखा कर पार तो 50% एवर रखार अच्छे सिक्सटा सिक्स सेमिस्टर मिसकर मैंने छटा सेमिस्टर मिसकर है तो एंता पढ़ क्या बैक नहीं लगू आराम से डिस्टिंक्शन पाइक पास हो जाए आउक तो हेल्प कर भी कहार बैक नहीं लगे है तो लंग क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन हिसाब से पढ़ा बेसी डीपली नहीं पढ़ सार क्या है क्या है इतनी जानवर किसी दरकार नहीं ना है आराम से मन रख प्रैक्टिस दु तीन थर कर दि पास ही जब से हाँ जदि तुम साइंटिस्ट हो कि रिसर्च कर फिजिक्स फिल्ड में देन तुम डीपली पढ़वा पड़वा बुझ पार कि नहीं
देन तुम से निजे पढ़वा कसरत करवा पड़वा। बट मुई जेनता पढ़ोचे मोर उद्देश्य इतकी है कि कह बैग नहीं लगू पास ही जाओ बोलिए है। तो सब लोग खुश रह पे बिंदास रुह, टेंशन लेने का नहीं है, बेस डिप्रेशन रे भी नहीं जाओ, लाइफ मिली छे मनीष जीवन बिंदास रह, बिंदास पढ़ो है, किसी टेंशन नवा जरूरी नहीं ना। आके जदि किसी कष्ट हो कि किए जदि किसी सेयार कर नहीं पार्बे देन कमेंट रे सेयार कर सार यहाँ असुविधा हो सार यहाँ एंती सेंती बोली करी, कि निजर माँ बापा कि निजर जिन गार्डियंस अच्छा से मन के पूरा सेयार कर, बुझे लगे नहीं तुमको बोझ भले नहीं लगे, बेस टेनसन नाबाटा नहीं ना है बुझा बेस टेनसन नहीं ना, बेस डिप्रेसन नहीं जो है तुम ये बयस नहीं हबार ताले तुम मैंने प्रोब्लेम मैंने डिप्रेसन जी बोलिए यहाँ तुम कौन एंजय करवा टाइम है, तुम बिंदास पढ़वा टाइम है, तुम कैरियर टाइम है यहाँ बुझ पार्लगे नहीं, कैरियर सेटल हालापर तुम निज लाइफ डिप्रेसन जो किसी चिंता नहीं, बट सेटल नहीं हाँ तुम डिप्रेसन नहीं जाओ बिले कि बेस टेनसन नहीं नि है, जहाँ भी असुविधा हो निजर माँ बापा कि निजर गार्डियंस बड़ भाई हो कि जहाँ के भी कह से भी जदि नहीं होती पढ़ा उपरे जब दिक्कत हो तुम कमेंट कर सर एमती दिक्कत हो बुझेगा, कह कलेज जब पढ़ा नहीं हवा तुम टेनसन नहीं नि बुझेगा ही नहीं, निजे पढ़ बुझेगा। तो कॉलेज रे तो सार मुझे किसी कही नहीं पार, जब गवर्नमेंट कॉलेज रे अच प्राइवेट रे अच्छा बोले कही पार्ब कंप्लेन भी दे पार्ब हूँ कि नहीं सार क्लास नहीं करवा बोली, और प्राइवेट रे जब अच्छा बोले पढ़ाबे कि गवर्नमेंट रे जब अच्छा बोले केवे क्लास हेबा केवे नहीं है, दुई दिन क्लास हेबा चार दिन नहीं बुझे पार्लगे नहीं, से सिस्टम रहसी तो सेना तुम बेस डिप्रेसन नहीं पलाह कि सार मन के भी गाली गुलाज बेस नहीं कर बुझे लगे सार तो भगवान रूप है बुझे पार्ल नहीं, सिस्टम टी हाँ ढिलामिला चलते बोलकर सार मैंने भी हाँ कर बुझे पार्ल कि सिस्टम जब कड़ाकड़ी चलता ना सार मैंने भी भलसे पढ़ाते पिला मैंने भी भलसे पढ़ते बुझे लगे नहीं, तो टेनसन नहीं सार मन के भी दोष नहीं दिव बुझे लगे नहीं, जहाँ भी प्रोब्लम होगा कमेंट कर मत कह है मो द्वारा जिते हेल्प हाँ बिले मुझे करपरि ओके। तो सब लोग खुश रुह बिंदास रुह जे जगन्नाथ बुझे पार्छ कि नहीं, तुम का ये चैनल बुझी पार नहीं, तुम पढ़ु बोल कर ये चैनल चलुच्छे मोर कथा बुझी पार कि नहीं, तो इन जे 99 का 100% तुम उपरे एका डिपेंड करुचे, मुई खाली जस्ट छोटिया मोटिया सहयोग करुचे पिले बुझी पार ओके। तो ये लिखी न प्राक्टिस कर है ठीक अच्छे।